नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। बीएसएनएल के नेटवर्क की वजह से हो रही फजीहत आपको ऊर्जाधानी कहे जाने वाले सिंगरौली जिले के देवसर ब्लॉक की ओर ले चलते हैं, जहां से ये खबर आ रही है कि यूनियन बैंक की शाखा देवसर का कार्य पिछले 10 से 15 दिन से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि इस शाखा में पिछले कई दिनों से लेन देन का काम और साथ ही बैंक का निजी काम भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इसका कारण बताया जा रहा है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ये परेशानी आ रही है। बीएसएनएल का नेटवर्क पिछले एक महीने से बंद पड़ा हुआ है और उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दूर दूर से या कहें तो सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों से उपभोक्ता आते हैं और इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि उनका लेन देन का कार्य होगा, पर जब सारे दिन वो इसी इंतजार के साथ बैठे रहते हैं कि कब नेटवर्क आए और लेन देन का कार्य चालू हो, लेकिन ऐसा नहीं होता और अनंततः शाम तक उनको निराश होकर वापस अपने घर लौटना पड़ जाता है। ये कार्यक्रम पिछले 15 से 20 दिनों से चल रहा है। अभी आपके हम ऊर्जाधानी कहे जाने वाले सिंगरौली जिले के देवसर ब्लॉक में खड़े हुए हैं, यूनियन बैंक के सामने। यहाँ का पोजीशन इस बैंक का यह है कि पिछले एक हफ्ते से नेटवर्क पूरी तरह से बंद है, बैंक का कामकाज पूरी तरह से ठप है, लोग परेशान हैं। सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों से, बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बैकवर्ड एरिया है, लोग वहाँ से आते हैं और सारा दिन बैंक में इंतजार करते हैं कि कब नेटवर्क चालू हो और उनका लेन देन का काम भी चालू हो। लेन देन का काम तो पूरी तरह से प्रभावित है ही, बैंक का काम भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में आगे हम कुछ कस्टमरों से बात करेंगे और आपको मिलाएंगे। सर, आपका नाम बता दे तो। आप नाम नारायण पाठक। ये पिछले कितने दिन से बैंक का काम था बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है? आप पेट्रोल पंप के संचालक हैं और आप क्या कहना चाहते हैं, पिछले कि इतने दिन से बैंक का कामकाज जो बंद पड़ा हुआ है आपके साथ? हम लोग इतने परेशान है कि दो हफ्ते से बराबर बैंक में 6 से 8 घंटे हम लोगों का व्यतीत होता है, हम लोगों का RTGS नहीं हो पा रहा है, पेट्रोल मिलता नहीं, इसलिए आए दिन हम लोगों का पेट्रोल पंप एक हफ्ते से बर्फ ड्राई रहा है सिर्फ बैंक के कमी के कारण। क्या समस्या है बैंक में? बैंक में सर कोई समस्या नहीं, सर्वर डाउन रहता है बराबर। कितने दिन से काम? ये लगभग 2 हफ्ते से। आज नहीं आ रहा हूँ लल्लू सर्वर। सर, आप पहले तो अपना नाम बताएं। रुवेन नाथ चतुर्वेदी। तो आप का इस बैंक में अकाउंट है? हाँ, हमारा क्रेशर का अकाउंट है। जी जी। तो आप भी बैठे हुए हैं, बैंक का काम लगभग पिछले कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ है? बैंक करीब करीब मान के चलिए 1 महीने से, बारिश जब से चालू हुई है तब से यहाँ समस्या बनी रहती है, हर एक हफ्ते से तो बिल्कुल सर्वर डाउन चल रहा है। तो क्या समस्याएं बताई जा रही हैं कि किस कारण से बैंक का लेन देन बंद है? बैंक का लेन देन बंद होने का कारण सर्वर, केवल सर्वर में समस्या, BSNL का नेटवर्क। जी, तो ये पोजीशन है, बैंक का काम पूरी तरह से पिछले कहें तो जैसा कस्टमरों का कहना है कि 10 से 15 दिन से बिल्कुल बैंक का काम बंद पड़ा हुआ है और इस सिलसिले में हम आगे बात करेंगे शाखा प्रबंधक महोदय जी से, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सर, हमारा ये सवाल है आपसे, जिसने 10 से 15 दिन से बैंक का काम पूरी तरह से ठप बताया जा रहा है। जी जी। बहुत दूर दूर से क्षेत्र से लोग आते हैं और बैंक की इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारा काम होगा, हमारा पैसा मिलेगा और सारा दिन बैंक में बैठे रहते हैं और अंत में निराश होकर बैंक से वापस चले जाते हैं। तो सर, इस बारे में आपका क्या कहना, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे लीज लाइन है BSNL की, तो जो हाईवे का काम चल रहा है उसके कारण BSNL की लाइन कहीं से कट जाती है, इन जनरल बैरी के पास से कटती है, वो कटने के बाद नेटवर्क पूरा बंद हो जाता है, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। नहीं सर, तो और जैसे और भी ब्रांचेस हैं, और भी शाखाएं हैं सर में, स्टेट बैंक, उनका काम तो प्रभावित नहीं हो रहा है? हो सकता है कि भाई वो दूसरी कंपनी का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे BSNL की लाइन है लीज लाइन और एक रिसेट लगा हुआ है एयरटेल का, तो जब भी बहुत ज्यादा तेज पानी गिरता है या आंधी तूफान आता है तो रिसेट हमारा बंद हो जाता है, उसको एक या दो दिन में इंजीनियर आके ठीक करता है, लेकिन लीज लाइन जो है वो BSNL के कारण बंद होती है, उसमें BSNL को करना चाहिए कि तुरंत से वो सुधार करे। सर, जब आए दिन ये समस्या बनी रहती है तो आप भी फिर अगर नेटवर्क का सहारा ले सकते हैं? देखिए, ये डिसीजन हम लोग ब्रांच लेवल पे नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये रीजनल ऑफिस लेवल पे होता है कि किस कंपनी का हमको नेटवर्क लेना है, किसको नहीं लेना है। हमने शायद रीजनल ऑफिस ने हमारे वो किया है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है कंपनी, इसके लिए आपके ऊपर बात किए हैं? जी जी, हम लोग तो बकायदा, हम लोग जब भी तो रोज हम लोग शिकायत अपनी करते हैं वहाँ पर रीजनल ऑफिस में। BSNL में जो SDO बैठते हैं सिंगरौली वैडन में, उनसे हम लोग रोज जैसे हम लोग का नेटवर्क डाउन होता है तो उनको फोन करते हैं। यहाँ तिवारी जी बैठते हैं, उनसे पूछते हैं।
ऑफिसर इतने लंबे दिन से काम बंद है तो फिर वो लोग या तो फिर ध्यान नहीं दे रहे हैं या तो नजरअंदाज कर रहे हैं। कई बार उनका भी ये कहना रहता है कि हमको भी पता नहीं कि कहाँ से लाइन कटी, लाइन ढूंढने में और उसके बाद बनाने में उनको भी टाइम लगता है, तो जब तक बंद रहता है। तो आलम यह है शाखा देवसर यूबीआई का कि पिछले 15 दिन से बैंक का कामकाज पूरी तरह से बंद है, लोग आते हैं और निराश होकर वापस चले जाते हैं, सारे दिन इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि नेटवर्क चालू होगा और हमारा काम होगा। सर से हमने अभी बात की, सर के द्वारा भी ये बताया गया कि हम ऊपर सूचना दे चुके हैं, बीएसएनएल का नेटवर्क आए दिन इसी तरह बना रहता है, इसकी भी शिकायत हम कर चुके हैं और डेली करते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे कब तक सुधार होता है और इस शाखा का काम कब से प्रारंभ होता है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। अग्रनाथ चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रमोद के साथ।